आज मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कलीसिया में आप किसके लिए आते हैं? आपके पाप क्षमा हो जाए या आपको चंगाई मिले? किस इच्छा से आप आते हैं, कि आपको चंगाई मिले या आपके पाप क्षमा हो? हेलो, जोर से बोलिए, यही आज का वचन का आधार है और यही परमेश्वर चाहता है और इसीलिए कलीसिया बनी है। हमें कलीसिया में क्यों आना है, हमें कलीसिया क्या देती है, हमें कलीसिया में किस नजर से आना है, क्या नजरिया रखते हुए आना है, प्रेज द लॉर्ड। और पाप की क्षमा हमें किस तरीके से चंगाई देती है, पाप अगर हमारे शरीर से निकल जाए तो किस तरीके से हम हर बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। हमारे शरीर में बीमारी कौन लेकर आ रहा है? पाप। यही समझना है, यही समझना है। परमेश्वर बीमारी लेकर नहीं आता है, परमेश्वर हमको बीमार नहीं करता है, परमेश्वर हमको बीमार नहीं करता है। बीमार कौन करता है हमको? हमारा पाप। आपके अंदर जो पाप आता है वो आपको बीमार करता है। परमेश्वर तो आपको शुद्ध, परमेश्वर ने तो आपको अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया है। मेरे भाई मेरी बहन, आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर के लिए कौन है, आप उसकी आंखों की पुतली है, आप नहीं जानते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए जल्दी से वचन पढ़ते हैं, उसके बाद जाएंगे। लूका 5:17-20। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। प्रेज द लॉर्ड। कहां बैठा हुआ था ये? कफरनहूम में बैठा हुआ था। ये जो घर था ये पतरस का घर था, कफरनहूम यीशु मसीह का हेडक्वार्टर था। मोस्टली अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो कफरनहूम से उन्होंने सारे काम किए हैं। तो कफरनहूम में पतरस के घर में बैठा हुआ और उपदेश दे रहा था परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया, पढ़िए। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। जब वो भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने कोठे पर चढ़कर खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में, कमरे के बीच में उतार दिया। कितनी जरूरत थी उसे, कितनी जरूरत थी उसे यीशु के पास जाने की, कितनी अहमियत थी। वो अपनी बीमारी से कैसे छुटकारा पाना चाहता था, कितना उसने इलाज कराया होगा, कितना वैद्यों के पास गया होगा, कहां कहां गया होगा, लेकिन जब कहीं भी उसे उपाय नहीं मिला तो उसे जब सुना कि यीशु मसीह यहां पर है और उपदेश दे रहे हैं और यीशु मसीह महान है, चंगाई दाता है, उद्धार करता है, और तो वो उसने सोचा कि नहीं, मुझे अगर कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा, उसने छत खोदी, छत में से खपड़ैल जो उस समय होती, पुराने जमाने में खपड़ैल के द्वारा छत बनते थे, उन्होंने खपड़ैल को निकाला और अंदर आ गए। अपने आप को बांध कर उसने नहीं सोचा कि मैं गिर जाऊंगा, टांग टूट जाएगी, बीमार आपका मर जाऊंगा। नो, उसे पता था कि एक बार अगर मैं यीशु मसीह के पास आ गया, यीशु मसीह के सामने आ गया तो मैं चंगा हो जाऊंगा। यह विश्वास आपका होना चाहिए जब आप चर्च में आए, ये विश्वास आपका होना चाहिए जब आप प्रभु के करीब आए, ये विश्वास आपका होना चाहिए जब आप यीशु मसीह का नाम लें। Praise the Lord, मैं यीशु मसीह का नाम लेने वाला हूं, मैं यीशु मसीह का बंदा हूं,
मैं यीशु मसीह का बच्चा हूं, मैं यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, मुझे आशीष मिलेगा। आमेन आमेन हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस विश्वास के संग आपको अपने जीवन में परमेश्वर के चरणों में आना है। यह विश्वास आपको आपके साथ रखना है हमेशा। इसलिए बाइबल कहती है कि हमारा जीवन संदेह से विश्वास की ओर नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन विश्वास से विश्वास की ओर बढ़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो भाई था ये यीशु के सामने उतार दिया गया। आगे 20वां, उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखकर उससे क्या कहा? हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। समझने की कोशिश करिएगा मेरे भाई, वो खाट से लिपटा हुआ है, वो लकवे का मरीज है। जितने लोग वहां बैठे हुए हैं सब देख रहे हैं कि ये अपने लकवेपन को चंगा करने के लिए आया है। सब लोग जानते हैं, जो उतारने वाले थे वो भी जानते हैं, जो देख रहे हैं कि हाँ ये बीमार है, ये चल नहीं सकता, इसका आधा शरीर काम नहीं कर रहा, ये लकवे का मरीज है। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि तेरे पाप क्षमा हुए। जब वो आया था तो वो किसके लिए आ रहा था? चंगाई के लिए, कि उसके लकवापन को चंगाई मिल जाए। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी जद्दोजहद उसने की, एक किसी के मकान की छत को तोड़ा, चार आदमियों को हायर किया कि मुझे यीशु मसीह के पास पहुंचा दो। और जब वो आया तो यीशु कहता है तेरे पाप क्षमा हुए। हेलो, आप किसके लिए आते हैं घर में, चर्च में? अपनी चंगाई के लिए। आप प्रार्थना करते हैं चंगाई के लिए कि मेरा पैर खराब है, मेरा पेट खराब है, मेरा सर का दर्द है, मेरी आंखें खराब है, मेरा कान खराब है। प्रेज़ द लॉर्ड। आते हैं ना इसके लिए, अभी भी कई भाई बहन आए इसके लिए। मेरी दमे की प्रॉब्लम है, खुजली की प्रॉब्लम है, लेवर की प्रॉब्लम है। लेकिन यीशु क्या कर रहा है? आप आए भले ही अपने शरीर की चंगाई के लिए हैं, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर से पापों को निकाल रहा है। परमेश्वर का मकसद क्या है कि जो मेरे घर में आया है, जो मेरे पास आया है, जिसने विश्वास के संग मेरा नाम लिया है, मैं उसके पापों से उसको अलग करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका मकसद ये नहीं है कि तुम शारीरिक चंगाई पाओ, उसका मकसद है कि तुम मन की चंगाई पाओ। मेरे बच्चे के पाप क्षमा हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, बाइबल क्या कहती है एक जगह कि अगर तेरा हाथ तुझसे पाप कराए तो उस हाथ को काट दे, अगर तेरी आंख पाप कराए तो उस आंख को फोड़ दे। भला है कि हम काने बनकर स्वर्ग में जाएं, इससे बेहतर है कि हमारी एक आंख की वजह से हम नरक में चले जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपका साथ का रिश्ता आपको पाप करवा रहा है, अच्छा है कि आप रिश्ता तोड़ दें। अगर आपकी बहन, आपका भाई, आपका पति, आपकी पत्नी आपको पाप की ओर लेकर जा रही है, तो भला है पहले आप उसे समझाइए, उस रिश्ते को समझाइए, उस रिश्ते को प्रार्थना में रखिए। लेकिन अगर वो रिश्ता आपको पाप की ओर लेकर जा रहा है तो हमें पाप में नहीं जाना, हमें पाप में नहीं जाना, हमें पाप नहीं करना है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम पाप करें। यीशु का मकसद है कि तेरे पाप क्षमा होने चाहिए। यीशु धरती पर आया है पाप क्षमा करने के लिए। यीशु ने अपना बलिदान दिया है आपके पाप क्षमा करने के लिए।
आपको पवित्र करने के लिए उसने अपना बलिदान दिया है। यीशु ने आपको अपना लहू बहाया है अपने पाप क्षमा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, पाप क्षमा करने के लिए। हमको इसकी कीमत को समझना है। आप सोचिए कि परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम मसीह में होने के बावजूद भी, चर्च आने के बावजूद भी हम झूठ बोलते हैं, हम धोखा देते हैं, हम व्यभिचार करते हैं, हत्या करते हैं, नशा करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया है ताकि हम शुद्ध हो जाएं। क्योंकि अगर आप शुद्ध नहीं हैं, अगर आप अशुद्ध हैं, अगर आप पवित्र नहीं हैं, तो परमेश्वर आपके साथ नहीं रह सकता है। आप अपना नुकसान अपने आप कर रहे हैं। पहला कुरिन्थियन 11:27 से निकालिए, फर्स्ट कुरिन्थियन 11 फ्रॉम 27-31। हम अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, आप नहीं जान रहे हैं। एक तरफ प्रभु को पा रहे हैं और एक तरफ आप अपनी चाल से अपना नुकसान कर रहे हैं। आप नहीं जान रहे हैं। हम जब मसीह में आए मेरी बहन, हमारा जीने का तरीका अलग है, होना ही चाहिए। आप अगर अलग तरीके से नहीं जी रहे हैं, मसीह की तरह नहीं जी रहे हैं, उस वचन के अनुसार नहीं जी रहे हैं, तो मेरे बहन आप अपना नुकसान कर रहे हैं, फायदा नहीं कर रहे हैं आप। इसलिए कितने भी मसीह हैं जो चर्च में आते हैं, उनके जीवन में दुख, तकलीफें, चिंताएं, बीमारियां छोड़ती नहीं। और आप समझते हैं हम तो चर्च जा रहे हैं। मेरी बहन, चर्च आना ही काफी नहीं है। हम हर संडे चर्च जा रहे हैं ना, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं मेरी बहन, आपकी पवित्रता, आपकी आज्ञाकारिता, आपकी वफादारी ही है जो परमेश्वर को आपके करीब रखती है, आप परमेश्वर के करीब रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मान लीजिए आपकी नई नई शादी हुई है, आप अपने पति से बहुत प्यार करती हैं, वो ऑफिस जाता है आप नाश्ता बना के देती हैं, वो घर में आता है आप खाना बना के देती हैं, घर की साफ सफाई रखती हैं आप, लेकिन आप पुराने बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ पा रही हैं, आप पुराने बॉयफ्रेंड से भी बात करती हैं, आप पुराने संबंधों को नहीं छोड़ पा रही हैं, आप संसार को नहीं छोड़ पा रही हैं, आप समझ रही हैं कि आपके पति को नहीं पता है, क्या आपके पारिवारिक जीवन में सुख होगा? होगा? नहीं होगा। क्या बरकत होगी? नहीं होगी। आप खाना बनाने के लिए YouTube पे देख रही हैं, अरे अच्छे से अच्छा खाना अपने पति को बना के दो, अच्छे से अच्छा चिकन बना के दो, मटन बना के दो, खूब मेहनत करूं, अच्छी तरीके से घर सफाई कर रही हूं, पति के बर्तनों को, कपड़ों को सफाई कर रही है, सब कुछ कर रही है, कमा रही है, पति को दे रही है पैसा, लेकिन अपना रिश्ता जो पुराने बॉयफ्रेंड के साथ है उसको नहीं छोड़ पा रही है। क्या आपको आशीष मिलेगा? नहीं मिलेगा।
आपको अपने पति का पूरी तरीके से होना पड़ेगा। मरकुस 12 का 30 और 31 में दो आज्ञाएं हैं कि तू अपने परमेश्वर से, अपनी पूरी बुद्धि से, अपने पूरे मन से, अपनी आत्मा से और अपनी शक्ति से प्रेम कर। प्रेज़ द लॉर्ड। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना, पूरे मन से। तभी आप परमेश्वर के साथ एक हो पाएंगे और तभी आपके जीवन में बरकत का आशीष होगा। तभी मैं तो नहीं होगा। हेलो, आमीन। इसलिए पौलुस पहला कुरिन्थियन 11 का 27 का कहता है, अभी आपने प्रभु भोज लिया? अगर आपने प्रभु भोज को तरीके से नहीं लिया, अनुचित ढंग से लिया, उचित ढंग से नहीं लिया, प्रेज़ द लॉर्ड, हम सोचते हैं कि हम एक रोटी का टुकड़ा लेकर और दाखरस का प्याला लेकर हम परमेश्वर के नियम के अनुसार चल रहे हैं, और अगर आपने अपने आप को नहीं जांचा, आप नहीं जानते, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। पढ़िए बेटा। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। आप समझे कि नहीं? अगर आपने अनुचित रीति से प्रभु का भोज लिया है, अगर आपने अनुचित रीति से प्रभु को स्वीकार किया है, तो आप अपराधी ठहरेंगे। लॉर्ड, अगर आप मन से नहीं आ रहे हैं प्रभु के पास, अगर आपने मन से स्वीकार नहीं किया है, अगर आपने कहा है संसार को भी मेरे मैं लेके चलूंगा और परमेश्वर को भी लेके चलूंगा, दो नाव में आप सवार नहीं हो सकते। लॉर्ड, अगर आपने अनुचित रीति से पवित्रता को आपने अगर अपने अंदर नहीं बसाया हुआ है, प्रभु का वचन कैसे काम करेगा आपके अंदर? प्रेज़ द लॉर्ड। एक गिलास में दूध डालने से पहले अगर आपने उस गिलास को पूरी तरीके से साफ नहीं किया है, जरा सी उसमें गंदगी है, जरा सा उसमें नमक है, जरा सा उसमें एक बूंद नींबू है, तो क्या वो दूध साफ रहेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है आपने दूध भैंस का लिया हो जो 80 रुपए किलो है, बड़ी दूर से लेकर आए हैं। हो सकता है आपने दूध लाए हैं आप चांदी के कटोरे में कि चांदी के गिलास में आज मैं प्रभु के लिए दूध लेकर आया हूं, लेकिन अगर उस गिलास में नमक का एक बूंद भी है, नींबू की एक बूंद भी है नींबू के रस की, तो क्या वो दूध ठीक रहेगा? फट जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है आपके पास चांदी का गिलास नहीं है, ना सही। आपके पास स्टील का गिलास नहीं है, ना सही। आपके पास टूटा हुआ कटोरा है जिसके पास जिसका वो भी नहीं है, पकड़ने के लिए हैंडल भी नहीं है, आपका बर्तन टूटा हुआ है, लेकिन अगर वो साफ है तो आपका दूध स्वीकार किया जाएगा।
प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आपके पास चांदी का गिलास है और वो पवित्र नहीं है तो आपका दूध स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अनुचित रीति से अगर आप इस कटोरे में से भागी लेंगे, अनुचित रीति से अगर आप प्रभु भोज को अपने अंदर लेंगे, देखिए मुझसे ज्यादा आप जानते हैं कि आप पवित्र हैं कि नहीं है। हेलो, आपके अंदर क्या है? आपकी मां से ज्यादा, आपके पति से ज्यादा, आपकी पत्नी से ज्यादा, आपके पड़ोस से ज्यादा आप जानते हैं कि आप पवित्र हैं कि नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने अनुचित रीति से लिया, बाइबल कहती है, तो आप अपराधी ठहरेंगे, क्योंकि आप उस प्रभु की रोटी को अपने अंदर डाल रहे हैं। लेकिन अंदर का आपने जो अपना रूम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं स्वीकार किया है, इसलिए लोग बीमार होते हैं। 28वां पढ़िए बेटा, 28। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। हाँ, मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। 29वां। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को न पहचाने, हाँ, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अपने ऊपर दंड लाते हैं। आप मसीह हैं, आप चर्च में आ रहे हैं, आप कहते हैं क्यों हो रहा है मेरे संग ऐसा, क्यों मैं बीमार पड़ रहा हूं, क्यों मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। पास्टर प्रार्थना करते हैं चर्च में, मैं ठीक हो जाता हूं, फिर घर में आके बीमार पड़ जाता हूं, क्यों हो रहा है, मेरा धंधा क्यों नहीं अच्छा चल रहा है। क्योंकि आप परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे हैं। वो परमेश्वर है, उसके लहू की कीमत है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें जांचना है। इसका अगला पढ़ो 31 30 पढ़ो 33। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं। और बहुत से सो भी गए। सो भी गए हैं। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? सोने का मतलब क्या होता है? मृत्यु। इसीलिए, क्योंकि आप अनुचित रीति से आ रहे हैं, आप कलीसिया अनुचित रीति से आ रहे हैं, आप प्रभु के वचन अनुचित रीति से ले रहे हैं, आप प्रभु का दशांश अनुचित रीति से डाल रहे हैं, सारे खर्चे हो गए उसमें से उसके बाद निकाल रहे हैं। बाइबल के अनुसार चलना है हमको। प्रभु को प्रभु की तरह मानना है, वो परमेश्वर है। हम क्या सोचते हैं कि हमें बड़ी आसानी से मिल गया, हमने पश्चाताप किया और हमें प्रभु मिल गया। लेकिन जो मिल गया है उसको संभालना मुश्किल है। उसको संभालने में आपको अपने आप को रोज जांचना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दी है, हमें अपने आप को रोज जांचना है मेरे भाई, नहीं तो हम अपना ही नुकसान करेंगे। आपके जीवन में सुख क्यों नहीं आ रहा है? प्रभु तो दे रहा है। आप अनुचित रीति से प्रभु को ले रहे हैं, अनुचित रीति से प्रभु की क्रियाओं को कर रहे हैं, अनुचित रीति से प्रभु के वचन को अपने अंदर ले रहे हैं, इसलिए आपका नुकसान हो रहा है, खुद हो रहा है आपका नुकसान। क्योंकि परमेश्वर की आशीषें कब मिलेंगी? जब आपकी पवित्रता आपके साथ होगी। वो किसको दे रहा है? ध्यान से समझिए। परमेश्वर ने आपको पवित्र किया, परमेश्वर ने आपको शुद्ध किया, अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया ताकि आप शुद्ध हो जाएं और पवित्र हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझते कि नहीं समझते?
धन्य है वो मनुष्य जिसके पाप क्षमा हुए और जिसके पाप ढापे गए। भजन संहिता 32:1, दूसरा करुंतियन 5:18-19 का कहता है कि परमेश्वर ने अपने आप हमारे पापों को हमसे मेल मिलाप कर लिया और हमारे पापों को क्षमा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से मैं आपको समझा रहा हूं। तो यानी कि जब आपको परमेश्वर ने क्षमा किया, अपने इकलौते पुत्र का लहू बहाया, आपको शुद्ध किया, आपको पवित्र किया, आपको नई आत्मा दी, आपको नया मन दिया और आपको अपनी आत्मा दी और आपको प्रतिज्ञाएं दी कि तुझे आशीष मिलेगा, तुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ईश्वरीय सामर्थ तेरे साथ रहेगा, भक्ति और जीवन से संबंधित जो भी जीवन में सामग्री होंगी वो तुझे मिलती रहेगी। विश्वास किसके लिए? ये आशीषें किसके लिए हैं? जिसको उसने पवित्र किया है। हेलो, आप समझ रहे हैं? ये आशीषें किसके लिए हैं? जिसको उसने पवित्र किया है। प्रेज द लॉर्ड। सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। दूसरा पत्रस 1:3 पढ़िए, दूसरा पत्रस 1:3, और उसने ईश्वरीय सामर्थ के द्वारा आपको भक्ति और जीवन से संबंधित सब कुछ दे दिया है। क्या लिखा हुआ है? कि उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ, बोलिए सब कुछ, एक साथ बोलिए सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दे दिया है। आमेन, हालेलुया। किसको दिया है? जिसको उसने पवित्र किया है, जिसको उसने शुद्ध किया है, जिसको उसने नया मन दिया है। किसको दिया है उसने सब कुछ? जिसको उसने चुना है। क्या आप चुने हुए हैं? कितने लोग चुने हुए हैं? प्रेज द लॉर्ड। आपको दे दिया उसने। अब अगर आप अनुचित रीति से चर्च आएंगे, अगर आप अनुचित रीति से दशांश देंगे, अगर आप अनुचित रीति से प्रभु भोज लेंगे, अगर आप अनुचित रीति से बाइबल पढ़ेंगे, अगर आप अनुचित रीति से प्रभु के कार्यों को करेंगे, तो क्या आपको मिलेगा? आपको ये चीजें कैसे मिलेंगे? उसने जीवन और भक्ति से संबंधित जो भी चीजें हैं सब कुछ आपको दे दिया है। और आप तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि आपके और उसके प्रॉमिस के बीच में अनुचित दीवार आ रही, क्योंकि आप अनुचित चाल चल रहे हैं, आप सही चाल नहीं चल रहे। आप परमेश्वर के साथ भी होना चाहते हैं, संसार को भी पाना चाहते हैं, आज झूठ भी बोलना चाहते हैं, आप पवित्र भी रहना चाहते हैं, नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए आप चिंता में रहते हैं, इसलिए आप प्रॉब्लम में रहते हैं। प्रभु के अनुसार चलिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म। उसने आपको दे दिया है, देने वाला नहीं है, दे दिया है। किसको दिया है? जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। आपको सब कुछ दे दिया है, लेकिन आपका अनुचितपन, जब आप अनुचित चाल चलते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं। अभी आपने पढ़ा 30वां, पहला कुरिन्थियन 11:30 पढ़ा आपने कि आप बहुत जो अनुचित चाल चलते हैं उनमें से बहुत निर्बल हो जाते हैं, बहुत रोगी हो जाते हैं और बहुत सो भी जाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, कई लोग बहाना करते हैं कि हमें समझ नहीं आता, अरे हम दशांश कैसे दें समझ ही नहीं आ रहा है,
आप पूछिए, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आपको बताएगा, आपको बोझ देगा, आपको याद दिलाएगा ये देना है आपको। लेकिन अगर आप उसको दबा देंगे तो अलग बात है, वो आपको याद दिलाएगा। मुझे याद दिलाता है, भाई आपको ये मिला है, इतना देना आपको, ऐसे चलना है आपको। आपको पता है पवित्र आत्मा आपके लिए प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा आपके लिए प्रार्थना करता है, और कैसे, रो रो कर, आहें भर भर कर। रोमन 8:26-27, उसकी आत्मा जो आपके अंदर है वो मेरे भाई आपके लिए प्रार्थना करता है। सोचिए कि प्रभु कितना प्यार करता है आपको, हो सकता है आपके लिए चिंता आपकी नौकरी हो, आपके लिए चिंता आपका धंधा हो, आपके लिए चिंता आपका बच्चा हो, आपके लिए चिंता आपकी बेटी की शादी हो, और आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा पता किसके लिए प्रार्थना कर रहा है, आपके स्वभाव के लिए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर बयान से बाहर है जो हमारे लिए विनती करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके, किससे, किससे विनती करता है, परमेश्वर से। आप सोचिए कि परमेश्वर की आत्मा आपसे कितना प्यार करता है, और हम उसकी अगुवाई में नहीं चलते हैं। वो कहता है, पिता इस बच्चे को बचा ले। हम मांगते हैं कि हमारी पगार बढ़ जाए, अभी 10,000 कमाते हैं, हमारी 25,000 हो जाए, हमारा धंधा बढ़ जाए, हमारा कर्जा निकल जाए, हमारी ये प्रार्थना है। और उसकी प्रार्थना पता क्या है, प्रभु पिता से, पिता ये बच्चा जिसके अंदर मैं हूं, इसके अंदर अभी भी लालच है, लालच निकाल दे, क्रोध निकाल दे, ये दूसरी औरतों को गलत निगाह से देख रहा है, इसको शुद्ध कर दे, ये दूसरे के पैसों पर अपना ध्यान लगाता है, इसके अंदर से स्वार्थ निकाल दे। वो ये प्रार्थना कर रहा है आपके लिए और विनती कर रहा है, क्योंकि अगर आपके अंदर ये चीजें रहेंगी, स्वार्थ, लालच, व्यभिचार, हत्या, ये अगर चीजें रहेंगी, तो आप प्रभु के साथ नहीं जा सकते, आप प्रभु के नहीं हो सकते। उसका मकसद है कि जिसके अंदर मैं हूं बयाने के रूप में, मैं उसको लेकर प्रभु के पास जाऊं। ये रोटी, ये नौकरी, ये धंधा आपको प्रभु के पास नहीं लेके जाएगा। प्रभु के पास आपको कौन लेके जाएगा, जो प्रभु का स्वभाव है, उसका स्वरूप आप में, और उसका स्वरूप आप में बनाने के लिए उसकी आत्मा आप में काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कलीसिया में आप आते हैं चंगाई पाने के लिए, कि मेरे सर का दर्द, मेरी आंखें ठीक हो जाएं, मेरे कान ठीक हो जाएं। लेकिन प्रभु क्या चाहता है, कि आपसे पाप निकल जाए, मेरी बच्चा पवित्र हो जाए, मेरी बच्ची पवित्र हो जाए, क्योंकि परमेश्वर के लिए पवित्रता ही सब कुछ है। इसलिए आज जो हमें प्रभु बोझ लिया है, वो हमें पवित्र बनाता है। प्रभु बोझ क्यों लेते हैं हम, ताकि हम एक मन एक दृष्टिकोण के संग पवित्र रहें, शुद्ध रहें,
हमारा मन प्रभु के लिए हो, ज्योति हमारे अंदर रहे, कोई अंधकार ना रहे हमारे अंदर। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप जब कलीसिया आए मेरे भाई, तो पूरे मन के साथ आए। इसलिए सबोपदेशक 5:1 क्या कहता है कि जब भी हम चर्च में आए, जब भी हम प्रभु के घर में आए, तो सावधानी से आए, अपने मन को एक करें। मैं आपसे विनती करता हूं, मत भागिए पैसे के लिए। पैसा कुछ नहीं कर सकता। सालों साल कमाया पैसा एक सेकंड में चला जा सकता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है कुछ भी। हाँ, आप पैसे से कुछ कर सकते हैं, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। परमेश्वर है, उसको पाने की लालसा हमारे अंदर होनी चाहिए। आप देखिए, पवित्र आत्मा हमारे लिए आहें भरकर विनती कर रहा है परमेश्वर से कि जिसके अंदर मैं रह रहा हूं वो लालची हो गया है, जिसके अंदर मैं हूं वो स्वार्थी हो गया है। प्रभु मेरे इस बच्चे को जिसके अंदर मैं हूं उसको संभाल, उसके अंदर से लालच निकाल, स्वार्थ निकाल। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सबोपदेशक 5:1 क्या कहता है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। हेलो, सावधानी से चलना। जब आप अपने घर से निकलते हैं ना, ये तब की बात कर रहा है। हम कहां जा रहे हैं? प्रभु के घर। आप जाते हैं जब पार्टी उटी जाते हैं ना, किसी बहन ने बुलाया है शादी, 5-स्टार में जा रहे हैं हम, पार्टी में जा रहे हैं, कितनी तैयारी करते हैं आप? 4 दिन पहले से हम ये पहनेंगे, ये मेकअप लगाएंगे, ऐसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, हमारी ड्रेस खराब नहीं होनी चाहिए, हमारे बाल खराब नहीं होने चाहिए। होता है कि नहीं होता है? 4 दिन पहले से। क्या चर्च में आने से पहले हम तैयार होते, अपनी आत्मा को तैयार करते, प्रार्थना करते? आप क्यों विचलित हो रहे हैं? आप क्यों अनुचित चाल क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आप चर्च आने से पहले अपने आप को तैयार नहीं करते हैं। आज मुझे चर्च जाना है, क्या आप 15 मिनट प्रार्थना करते हैं आने से पहले? वो क्या कहता है? सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना, प्रभु के वचनों को सुनने के लिए समीप जाना। कब आप जाएंगे समीप? जब आप सावधानी से आएंगे, जब सिर्फ और सिर्फ प्रभु से मिलने के लिए आएंगे। आगे सीट मिले, पीछे सीट मिले, कुछ भी नहीं, मुझे प्रभु से मिलना है और सावधानी से मुझे सुनना है कि वचन क्या कह रहा है, इसमें कौन सी चेतावनी मेरे लिए है, कौन सी ताड़ना मेरे लिए है। सिर्फ चर्च एक रूटीन के लिए आना है कि नहीं, मुझे चर्च आना है, मैं आया था आज, मैं हर संडे आता हूं, आगे बैठता हूं? नो, प्रभु ये देखना नहीं चाहता है आप किस दिल से आ रहे हैं। क्या चर्च आने से पहले या चर्च में बैठे बैठे आपका मन करता है प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझ में कुछ कमियां हैं अभी भी निकाल दे, मैं तेरे योग्य चाल चलूं, मैं तेरे अनुसार चाल चलूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को पाने की इच्छा, प्रभु के साथ एक होने का तड़प आपके अंदर होना चाहिए जब आप कलीसिया में बैठे हुए हैं। मुझे मेरे पिता से एक होना है, मुझे मेरे पिता को और जानना है, यह तड़प आपके अंदर होनी चाहिए।
तब आप डरेंगे, तब परमेश्वर का भय आपके अंदर होगा, और वो परमेश्वर का भय आपको संसार में जाने नहीं देगा। आपके अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए कि नहीं, मुझे कोई भी ऐसा सुख नहीं चाहिए जो तुझसे दूर कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तब आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर पवित्रता है, परमेश्वर का वचन आपके अंदर काम कर रहा है। फिर आप अपने लिए नहीं मांगेंगे, आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के लिए मांगेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर में एक हो जाएंगे। जब हम परमेश्वर में एक हो जाते हैं ना मेरे भाई, तो हम अपने लिए नहीं मांगते, हमें अपने हमारे हम तो परमेश्वर में एक है, तो हम अपनी बहन के लिए मांगते हैं, हम किसी और के लिए मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यही बाइबल चाहती है, यही चर्च चाहता है, कलीसिया चाहती है। हमें परमेश्वर में एक होना है, और परमेश्वर भी चाहता है कि मेरा बच्चा मुझ में एक हो जाए, एक बन जाए। यीशु जैसे परमेश्वर में एक था, वैसे हमें भी परमेश्वर में एक होना है। हालेलुया। कितने लोगों को आज का वचन अच्छा लगा और कितने लोगों को समझ आया। मैं सच कह रहा हूं मेरे भाई, प्लीज, अंतिम समय है। हम एच पर चल रहे हैं, अंतिम समय है, आप मत भूलिए। प्रभु कभी भी आ सकता है। ये पैसा, ये रुतबा, ये गाड़ी, आपकी ड्रेसेस आपका मान और सम्मान नहीं बचा पाएगा। अभी भी वक्त है जो हम अपने आप को प्रभु के योग्य बना लें। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। मैं सुनने वाले भाई बहनों को भी कहता हूं कि प्लीज अपने आप को जांचिए। जब आप वचन सुनते हैं तो समझिए और जांचिए अपने आप को, और विश्वास करिए, क्योंकि आपका विश्वास संसार पर जय प्राप्त करता है। God bless you. प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। God bless you.